नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका अच्छी टिप्स यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, बिना ज्योतिषीय सलाह के ना करें कोई उपाय, इससे आप फंस सकते हैं परेशानियों में। ध्यान रखें ये 10 बातें। दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। कई बार ऐसा करने से जीवन में परेशानियां बढ़ जाती हैं, इसलिए किसी योग्य ज्योतिषी से सलाह लेकर ही ग्रहों से संबंधित उपाय करना चाहिए। आगे जानिए ज्योतिष से जुड़ी कुछ टिप्स। कभी भी उच्च के ग्रहों का दान नहीं करना चाहिए और नीच ग्रहों की कभी पूजा नहीं करनी चाहिए। कुंडली में गुरु दशम भाव में हो या चौथे भाव में हो तो मंदिर निर्माण के लिए धन नहीं देना चाहिए, यह अशुभ होता है। कुंडली के सप्तम भाव में गुरु हो तो कभी भी पीले वस्त्र दान नहीं करने चाहिए। बारहवें भाव में चंद्र हो तो साधुओं का संग करना बहुत अशुभ होगा, इससे परिवार की वृद्धि रुक सकती है। सप्तम अष्टम सूर्य हो तो तांबे का दान नहीं देना चाहिए, धन की हानि होने लगेगी। मंत्रोच्चारण के लिए शिक्षा दीक्षा लेनी चाहिए क्योंकि अशुद्ध उच्चारण से लाभ की बजाय हानि अधिक होती है। जब भी मंत्र का जाप करें उसे पूर्ण संख्या में करना जरूरी है। मंत्र एक ही आसन पर एक ही समय में सम संख्या में करना चाहिए। अक्सर देखा गया है कि किसी की शादी नहीं हो रही है तो ज्योतिषी बिना कुंडली देखे पुखराज पहनने की सलाह दे देते हैं। इसका उल्टा प्रभाव होता है और शादी ही नहीं होती। कुंडली में गुरु नीच का अशुभ प्रभाव में अशुभ भाव में हो तो पुखराज कभी भी नहीं पहनना चाहिए। कैक्टस या कांटे वाले पौधे घर में लगाने से शनि प्रबल हो जाता है, अतः जिनकी कुंडली में शनि खराब हो उन्हें ऐसे पौधे नहीं लगाने चाहिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों कृपया वीडियो को एक छोटा सा लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।